नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम लेकर के आते हैं आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के पर्पस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज इसी क्रम में फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ये 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसके 4 वीडियोज़ हम पहले ला चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप क्लिक करके पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। आज ये पार्ट 5 है, इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स, अलग अलग ट्रेड्स के भी एग्ज़ाम्स की तैयारी इसी प्रकार से करवाते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सकें जो इस तरह के वीडियोस चाह रहे हैं या जिन्हें इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है। हम आपको बता दें कि मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एग्ज़ाम की तैयारी के अलावा हम आपको जॉब प्रिपरेशंस के लिए भी मदद करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स और साथ ही साथ जो रोज़गार मेले वगैरह में आने वाली प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट जॉब्स की वैकेंसीज जो आती हैं, उसके बारे में भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमें अपना प्यार प्रदान कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीम? सीम का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेट सीम, बी कॉर्नर सीम, सी कर्व सीम, घुमावदार सीम, डी पाइप सीम। पाइप सीम इसका सही आंसर है, सी कर्व सीम, घुमावदार सीम। इस श्रृंखला में दूसरा आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ट्रिमिंग? ट्रिमिंग का एक प्रकार क्या है? आपके ऑप्शन है ए ट्रिम ए कॉर्नर, एक कोने का को छांटो, बी क्लिपिंग कतरन, सी नॉच, डी ग्रेडिंग। आपका सही जवाब है डी ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सपोर्टिंग सीम टेक्निक रिमूव बल्क ऑफ फैब्रिक? कौन सी सहायक तकनीक सीम फैब्रिक को हटाती है? आपके ऑप्शन है ए ट्रिमिंग, बी नॉच, सी क्लिपिंग कतरन, डी ट्रिम ए कॉर्नर, एक कोने को छाटो। इसका सही जवाब है बी नॉच। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट फ्रॉम मूगा सिल्क? मूगा रेशम किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी केरला। आपका सही जवाब है ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट फेमस इन कसौटी एम्ब्रॉयडरी? कसौटी कढ़ाई में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है बी कर्नाटका। आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टिच यूज टू होल्ड लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग? कौन सी सिलाई अस्तर और आंतरिक अस्तर का उपयोग करती थी? ए पिक स्टिच, बी बैक स्टिच, सी पैडिंग स्टिच, डी रनिंग स्टिच। आपका सही जवाब है सी पैडिंग स्टिच। अगला क्वेश्चन है, विच बस्टिंग यूज फॉर सेवरल लेयर ऑफ फैब्रिक? कपड़े की कई परत के लिए कौन सा बस्टिंग उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए इवन बस्टिक, बी अन इवन बस्टिक, सी डायगोनल बस्टिक, विकर्ण बस्टिक, डी अपराइट बस्टिक। बस्टिंग इसका सही जवाब है बी अन इवन बस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर रनिंग स्टिच? सिलाई चलाने के लिए किस तरह की कढ़ाई? ए फ्लैट स्टिच, बी लूप्ड स्टिच, सी क्रॉस स्टिच, डी नॉटेड स्टिच, नोकदार स्टिच। इसका सही जवाब है ए फ्लैट स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच? लंबी और छोटी सिलाई के लिए किस तरह की कढ़ाई? ए आपके ऑप्शन है ए फ्लैट स्टिच, बी लूप्ड स्टिच, सी क्रॉस स्टिच, डी फिलिंग स्टिच। इसका सही जवाब है डी फिलिंग स्टिच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टिच यूज फॉर शेडो वर्क, छाया कार्य के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है चेन स्टिच, बी फेदर स्टिच, सी बैक स्टिच, डी हेरिंग बोन स्टिच। आपका सही जवाब है डी हेरिंग बोन स्टिच। इस श्रृंखला का अगला क्वेश्चन है, विच स्टिच इज यूज फॉर लार्ज मोटिफ, बड़े आकृति की मोटिफ के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ब्लैंकेट स्टिच, सी क्लोज ब्लैंकेट स्टिच, सी फिश बोन स्टिच, डी हेरिंग बोन स्टिच। इसका सही जवाब है सी फिश बोन स्टिच। अगला क्वेश्चन है, विच स्टिच यूज फॉर आउटलाइन फॉर लीव्स, पत्तियों के लिए रूपरेखा के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्टीम स्टिच, बी ब्लैंकेट स्टिच, सी बटन होल स्टिच, डी क्रॉस स्टिच। इसका सही जवाब है ए स्टीम स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट रेंज ऑफ एम्ब्रॉयडरी राउंड फ्रेम, कढ़ाई गोल फ्रेम के लिए सही रेंज कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए 10 to 12 centimeter, बी 10 to 15 centimeter, सी 10 to 20 centimeter, डी 10 to 25 centimeter। इसका सही जवाब है डी 10 to 25 centimeter। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्ट्रैंडेड कॉटन थ्रेड, फंसे सूती धागे में कितने स्ट्रैंड होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3 strand, बी 4 strand, सी 5 strands, डी 6 strands। आज का सही जवाब है डी 6 strands। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्ब्रॉयडरी सीजर, कढ़ाई कैंची के लिए क्या उपयोग है? आपके ऑप्शन है ए कटिंग फाइन एंड शॉर्ट थ्रेड्स, ठीक और छोटे धागे काटना, बी कटिंग पैटर्न टेम्पलेट, कटिंग पैटर्न टेम्पलेट, सी कटिंग गारमेंट कंपोनेंट्स, परिधान घटक काटना, डी कटिंग एक्यूरेट फॉर थिन पेपर, पतले कागज के लिए सटीक काटना। इसका सही जवाब है ए कटिंग फाइन एंड शॉर्ट थ्रेड, ठीक और छोटे धागे काटना। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थ्रेड ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस ए बेडेड एंड पैरल इफेक्ट इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई के काम में मनके या मोती प्रभाव पैदा करने के लिए किस प्रकार के धागे को घुमाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए सिल्क थ्रेड रेशम का धागा, बी पैरल कॉटन थ्रेड मोती का सूत, सी स्टैंडर्ड कॉटन थ्रेड फंसे हुए सूती धागे, डी सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी कॉटन थ्रेड मुलायम कढ़ाई सूती धागा। इसका सही जवाब है बी पैरल कॉटन थ्रेड मोती का सूत। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफरिंग मेथड यूज्ड फॉर द डिज़ाइन आउटलाइन इन वैक्स, मोम में डिज़ाइन की रूपरेखा के लिए किस प्रकार की स्थानांतरण विधि का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए डायरेक्ट मेथड सीधा विधि, बी कार्बन मेथड, सी टैकिंग मेथड, डी ट्रांसफर बाय आयरनिंग इस्त्री द्वारा स्थानांतरण। आपका सही जवाब है डी ट्रांसफर बाय आयरनिंग इस्त्री द्वारा स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीम कॉल्ड इज कंस्ट्रक्शनल सीम, किस सीम को एक रचनात्मक सीम कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए साइड सीम, बी पाइप सीम, सी कॉरेडेड सीम, डी फ्लैट एंड फेल्ड सीम। इसका सही जवाब है ए साइड सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डार्ट इज ट्रायंगुलर इन शेप, कौन सा डार्ट आकार में त्रिकोणीय है? आपके ऑप्शन है ए हाफ डार्ट, आधा डार्ट, बी फुल डार्ट, पूर्ण डार्ट, सी फ्रेंच डार्ट, फ्रेंच डार्ट, डी कंटूर डार्ट। इसका सही जवाब है ए हाफ डार्ट, आधा डार्ट। आपके अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फिगर दिया हुआ है और उसमें ये पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिगर, मोड़ का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्लीट, बी टक्स, सी गैदर्स, डी रफल्स।
इसका सही जवाब है बी टक्स। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें कुछ टाके दिखाए गए हैं, आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ टक, टक का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए प्लेन टक, सादा टक, बी डार्ट टक, डार्ट टक, सी शेल टक्स, डी कॉर्डेड टक्स। इसका सही जवाब है सी शेल टक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टक यूज फॉर शेपिंग द गारमेंट, परिधान को आकार देने के लिए किस टक का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्लेन टक्स, सादा टक, बी ब्लाइंड टक्स, अंधा टक, सी शेल टक, डी डार्ट टक। आपका सही जवाब है डी डार्ट टक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्लीट, प्लीट का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए नाइफ प्लीट, बी बॉक्स प्लीट, सी इन्वर्टेड प्लीट, डी स्टिच्ड डाउन प्लीट। इसका सही जवाब है बी बॉक्स प्लीट। इफ यूज एज वाइड लिप पीस, वाइड लिप पीस पॉकेट का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए बाउंड पॉकेट, सी इनसीम पॉकेट, बी इनसीम पॉकेट, सी पैच पॉकेट, डी वेल्ट पॉकेट। इसका सही जवाब है डी वेल्ट पॉकेट। आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्लैकेट, प्लैकेट का नाम क्या है। आपका ऑप्शन है वन पीस प्लैकेट, एक पीस प्लैकेट, बी टू पीस प्लैकेट, दो पीस प्लैकेट, सी कंटिन्यूअस प्लैकेट लगातार चलने वाली पीस प्लैकेट, सी फेस्ड प्लैकेट, फेस प्लैकेट। आपका सही जवाब है ए वन पीस प्लैकेट, एक पीस प्लैकेट।